नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्राइम टीवी की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, जिसे हमेशा संजो कर रखना बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर से ही व्यक्ति को हर कार्य में मन लगता है और योग एक ऐसी ही कला है जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। यहाँ तक कि योगा से व्यक्ति कई प्रकार के शारीरिक बीमारियों से भी उभर सकता है। यही वजह है कि योग को अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि साल 2015-21 जून से शुरू हुआ योग दिवस आज अपना 8वां साल मना रहा है। तो आपको बताते चले कि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा विश्व बेहद ही धूमधाम तरीके से योग दिवस मना रहा है और इस दौरान जो युवा है, बच्चे हैं, इसके साथ ही उम्र दराज के लोग भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो कोरोना काल में जहां एक तरफ कोरोना महामारी को देखते हुए लोग घरों में रहकर योग कर रहे थे, तो वहीं अब जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, जैसे ही कोरोना धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, उसके मामले घटते जा रहे हैं, तो आज 2 साल बाद एक बार फिर लोगों ने बड़ी संख्या में खुले मैदान के नीचे और लोगों के साथ योग किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 साल बाद जहां कोरोना का साया धीरे धीरे लोगों के शरीर से, लोगों के मस्तिष्क से हटता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे ही लोग जो हैं अब योग भी खुले मैदान के नीचे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। वहीं योग दिवस पे खास ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पायल भारतीय, जो कि एक योगा एक्सपर्ट है, और योगी रजनीश, जो कि योग गुरु है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अगर हम बात करें, मैम पायल जी, नमस्ते मैम। पायल मैम, अगर देखा जाए तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अपने शरीर को तोड़ना, मोड़ना या अलग अलग तरीके से व्यायाम करना ही योग होता है, लेकिन असल में योग क्या है और इसका लाभ क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। देखिए, योग शरीर को तोड़ना मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण और आयाम। अगर आप पढ़ते हैं तो प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम बना है। तो प्राण का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो श्वास है उसको नियंत्रित करना, अपनी जीवन शैली को बढ़ावा देना ही प्राणायाम है जी। और जब आप योग करते हैं तो योग करने के लिए अपने शरीर को जिस तरीके से साध पाए, उत्तेजना से नहीं, साधारण तरीके से। आप अगर अपने ऋषियों मुनियों को देखते हैं तो वो साधना, तप, योग सब करके अपने शरीर को साधते थे, तो उसी को योग कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ते हैं तो आप अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में बैठकर ही आप प्राणायाम या योग की क्रियाओं को करें जी। भैया, इस दौरान हमारे साथ योगी रजनीश भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। जी, अगर देखा जाए तो लोगों को ये मानना है कि योग करने से जो शरीर है वो हमारा स्वस्थ रहता है, तो लोग ज्यादातर फोकस उनका इसी तरफ रहता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं कि जो योगा है वो मानसिक तौर पर भी लोगों को स्वस्थ बनाता है। जी रजनीश जी, आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस माध्यम से लोग निश्चित रूप से योग के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि छोटी छोटी पहल ही हमेशा एक बड़ा रूप ले पाती है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपका आपने प्रश्न किया कि इस बार पुनः दोहराएंगे जी, मेरा प्रश्न ये था कि लोगों का अक्सर ये मानना है कि योगा करने से वो सिर्फ शारीरिक तौर पर ही स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि योग मानसिक तौर पर भी लोगों को बेहद ही मजबूत बनाने का काम करता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपने उत्तर भी अपने आप ही दिया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है कि यदि हम इसको हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग की परिभाषाएं दी है वहां से समझने का प्रयास करें, तो केवल और केवल उन्होंने कहा है, महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो उन्होंने कहा योगा वृत्ति निरोधक, योग द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकना, कंट्रोल करना, संयम में रखना, आसन और प्राणायाम योग का अंग है। तो केवल और केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, योग जो है हमारा पूर्ण विकास करने के लिए हमें सहयोग करता है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें, केवल आसन करने से हमारे जो शरीर के अंग है, जैसे हमारे ज्वाइंट है, हमारे मस्कुलर्स है, इन सब में मसल्स वगैरह, इन सब में लाभ मिलता है निश्चित रूप से। किंतु योग की जो पूर्णता है
वो हमें ध्यान और आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर चल करके ही प्राप्त होती है। तो बिना हम मानसिक शांति तो उसमें स्वतः प्राप्त हो जाती है। जब हम पूर्ण रूप से हम योग साधना की बात करते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, आठ अंग उसके दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन आठ अंगों में उन्होंने यम और नियम के पश्चात आसन को रखा है। आसन जो है उसके पश्चात प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको रखा गया। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत व्यवस्थित रूप से योग को दिया है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा भी समझ के करें, हमारी समझ में आ जाता है, तो हम निश्चित रूप से योग का लाभ ले सकते हैं। पायल जी, अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक धारणा है कि अगर उन्हें पतला होना है तो वो ज्यादा से ज्यादा योग करें। दिन में 2 से 3 बार भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो योग लमसम हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं और कौन सा योग कितनी बार किया जाए तो वो शरीर पर उसका फायदा दिखेगा? देखिए, ऐसा है मुस्कान जी, योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कितनी भी बारी और कितनी जरूरत के हिसाब से करा जाए। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारी इंद्रियों की क्या आवश्यकता है। जी। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन आठ योगों से बन के आठ योग जो है ये मेन है और इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। तो उसको किस, जैसे आप दवाई लेते हैं उस तरीके से इसको करना चाहिए। आप अधिक से अधिक 2 बारी कर सकते हैं दिन भर में। उसके लिए आपका खाली पेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक ही बार भी करते हैं लेकिन उसको सिंसेरली, पेशेंटली और सही क्रिया के साथ करते हैं तो एक बार भी योग प्राणायाम कर लेना ही पर्याप्त है। जी। उसके लिए आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि आप कोई भी कार्य जब करें, प्राणायाम करें या यौगिक क्रियाओं को करें, उसको उतना ही ध्यान से, उतना ही मन से और उतना ही पेशेंस के साथ में करें, तभी वो आपको फायदा देगा। जी, योगी रजनीश जी, जैसा कि मैम ने बताया कि योग जो है वो सुबह सुबह ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल लोगों की जो दिनचर्या है वो इतनी ज्यादा व्यस्त है कि अक्सर लोग सुबह योग नहीं कर सकते। तो सुबह के अलावा और कौन सा समय है जब लोग योग कर सकते हैं? योग करने के लिए आप शाम का वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 या 5 बजे का वक्त, क्योंकि जिस समय सूर्य उदय हो या जिस समय सूर्य ढल रहा हो उस समय संध्या कहा जाता है या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जी पायल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, लेकिन रजनीश जी, मेरा प्रश्न आपसे था कि लोगों को अक्सर ये होता है कि उन्हें सुबह का वक्त नहीं मिलता है क्योंकि लोगों की दिनचर्या इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि वो कहीं ना कहीं सुबह योग नहीं कर पाते हैं। तो और ऐसा कौन सा समय है जब वो योग कर सकते हैं? हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। जी। उसमें क्या है कि यहाँ पे सभी को पता है कि प्रातः काल की वायु शुद्ध होती है और प्रातः काल में योग करना नितांत लाभदायक होता है, ये सभी जानते हैं। किंतु यहाँ पे एक विषय आता है कि कई बार जो प्रश्न आपने किया उसी बिंदु को हम रेखांकित कर रहे हैं कि सुबह सुबह कई बार, क्योंकि आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोग सुबह भागम भाग रहता है, ऑफिस जाना होता है, कार्य होते हैं, अन्यत्र अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, तो सुबह योग करना छूट जाता है। तो इसमें हमारा मानना यह है कि आप योग करिए, आप एक समय को निर्धारित करके, यदि आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम के समय योग करिए, किंतु आप योग करिए जरूर, क्योंकि हम मानते हैं कि वो योग करना ज्यादा लाभकारी है ना करने से। अब बात आती है कि उसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें आहार का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम दोपहर में हमने 2 बजे भोजन किया, हम 3 बजे योग करने बैठ गए, या हमने 4 बजे भोजन किया, हम 5 बजे, हमने कहा 5 बजे का समय, 5 बजे योग करने बैठ गए, तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो हमें ये ध्यान करना है, यदि हमें शाम को योग करना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का हमें ज्ञान मिलना चाहिए। हम 12-1 बजे भोजन करें, तब जाके हम 5 बजे योग अभ्यास करें, तब जा करके हमें उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। एक छोटा सा पॉइंट हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे, जो हमने अपने अनुभव के आधार से महसूस किया है, सुबह के समय योग करना लाभकारी है, ये हम सभी जानते हैं। किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाम को योग अभ्यास, आसन की बात कर रहे हैं हम, अभ्यास जो है पूर्ण योग अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो आसन की बात करें तो शाम को हमारा शरीर दिन भर में चलते फिरते खुल जाता है, तो शाम को हमारे आसन जो है वो अच्छे से हो पाते हैं। तो इसलिए यदि हम शाम को भी योग करते हैं, 10 बजे भी योग करते हैं सुबह, तो कोई
दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कम से कम हम कर तो रहे हैं और करने से हमारे शरीर को लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जी पायल जी, लोगों के मन में अक्सर ये धारणा रहती है कि वो 30 प्लस के हो चुके हैं तो वो योगा करे या ना करे, क्या योगा करना सही है? तो क्या ऐसा कोई एज भी निर्धारित है कि योगा सिर्फ इतने से इतने एज के लोग ही कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता हुआ नजर आता है कि अरे अब तो हमारी उम्र हो रही है तो हम आखिर कैसे योगा की शुरुआत करें? नहीं मुस्कान जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, योगा के लिए कोई एज निर्धारित नहीं करी गई है, बल्कि अगर आप योगा रेगुलरली करते रहते हैं तो आप 30 की जगह आप 80 के भी हो जाएंगे, तभी भी आप उसी तरीके से कार्य आपका क्षमता उतनी ही बनी रहेगी। लेकिन योग के लिए एज बिल्कुल भी मान्यता नहीं रखती है। आप किसी भी उम्र तक 100 साल अगर आप ऋषियों को देखेंगे, या आप आज भी कुछ समय पूर्व ही मैं पढ़ रही थी महाराष्ट्र में अपनी एक महिला है, उनको योग महिला का नाम दे रखा है और वो 100 वर्ष की पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन आपसे हमसे बेहतर योग क्रियाएं करती हैं। तो एज बिल्कुल भी मान्य नहीं रखती है, आप किसी भी उम्र में योग कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इतना जानना जरूरी है कि यदि आपको जो भी तकलीफें हैं शारीरिक जो आपके शरीर में योग के पहले से आ चुकी हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर आपको अपनी क्रियाएं को करना चाहिए। क्योंकि रजनीश जी अगर देखा जाए तो योग के साथ साथ जो डाइट है कि लोग क्या खाएं क्या पिए ये भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें लोग खा सकते हैं जिससे वो और फिट रह सके? बहुत महत्वपूर्ण है कि एक छोटी सी हम अगर बात करें आहार की, तो हम जो योग की वार्ता करते हैं जब भी योग की चर्चा होती है तो हम कई जगह होता है कि वो कहते हैं कि आप मतलब आहार के ऊपर कोई चर्चा मत कर, यानी कि वो जो हमारी डाइट है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, उसको स्किप करना चाहते हैं। और जबकि हमने योगिक लाइफ का पैटर्न दिया है तो उसमें आहार और व्यवहार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब तक हमारा आहार सही नहीं होगा तब तक हमें पूर्ण योग अभ्यास की जो हम प्राप्त करना चाहते हैं स्वास्थ्य को वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आहार की बात करें तो आज के समय में जो हम इतना दूषित भोजन कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आप यकीन मानिए हम जहर खा रहे हैं। तो योग अभ्यास के माध्यम से हम अपने आप को अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेते हैं कि जो हम जहर डे टू डे रूटीन में खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें यदि हम यहाँ बैठ करके कहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई हमें आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन किंतु फिर भी हम सभी देखें कि जब से रिफाइंड हमने प्रयोग करना शुरू किया तब से बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑबेसिटी जो बढ़ी है वो उसके पश्चात बढ़नी शुरू हो गई है। और हम इस चीज को आज भी बहुत हद तक काफी लोग स्वीकार करने लगे हैं, काफी लोगों ने केवल अपना देसी जीवन जीने लगे, केवल देसी तेल यानी कि सरसों का तेल और देसी घी में अपने आप को परिवर्तित किया है। कई लोगों को हमने समझा और उन्हें परिवर्तन आया। तो इसी प्रकार से हम मैदे का प्रयोग कम से कम करें अपनी किचन में, हम सरसों के तेल का देसी घी का प्रयोग करें और मैदे का प्रयोग, चीनी बहुत बड़ा एक मतलब सफेद जहर बताया गया उसको, तो चीनी की जगह हम खांड का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बिना मीठे के काम नहीं चल पाता, थोड़ा मीठा होना चाहिए, तो खांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आहार का अगर नियंत्रण कर लेते हैं, बाहर के जो फास्ट फूड हम खाते हैं, चिप्स बच्चे रोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं अन्यत्र, इनके ऊपर बच्चों को भी संयमित किया जाए। और सबसे खतरनाक एक है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर संयम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2% उसमें 98% ऐसा है कि जो हमारे लिए वेस्ट है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। जी पायल जी, जैसे कि अभी हमें योगी जी ने बताया कि किस तरह से हम जो है अपनी डाइट का ध्यान रखें, लेकिन अक्सर जो बच्चे हैं वो डाइट को फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें बाहर के चिप्स चाहिए, उनको बाहर का बर्गर चाहिए, तो किस तरह से उनकी डाइट को बनाया जाए कि वो घर की ही चीजें बेहद ही खुश होकर खाएं और वो बाहर की चीजों की डिमांड ज्यादा ना करें? देखिए मुस्कान जी, मैं सब गृहणियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज जो अंधी दौड़ में महिलाएं दौड़ रही हैं और बच्चों को शुरू से ही घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना वो खुद भी जिज्ञासा के स्वास्थ्य के पीछे ही लग जाती है, उनको पिज्जा बर्गर खिलाने का आदि बना देती है। यदि आप अपने बच्चों को शुरू से ही चिप्स के पैकेट थमाने की जगह जो आपकी माताएं किसी जमाने में करी किया, दादी किसी जमाने में किया करती थी कि पापड़ या मंगौड़ी या इस तरीके की चीजें बनाकर घर में वो लोग दिया करती थी, ना कि चिप्स के पैकेट पकड़ा देती थी। जो जितना भी फास्ट फूड है या जितना भी पैक्ड फूड है उसके अंदर एक ऐसा
माध्यम पड़ा होता है जो आपके जिभ्या के टेस्ट को और भी ज्यादा एंजाइटी प्रदान करता है। जब आप उसको खाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पैकेट आप उसको खाते ही चले जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जिभ्या को उसने अपना आदि बना लिया है। बिल्कुल। तो मैं सब महिलाओं से और सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन से 5 साल की उम्र तक ही जब आप ध्यान दे लेंगी। आज मैं देखती हूँ 2-2 साल के बच्चे हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं पिक्चर देखने गए या कहीं भी पार्क में गए, वहां देखते हैं कि हर बच्चे के पैकेट हाथ में या तो चॉकलेट है या चिप्स है। मैं किसी के भी हाथ में लड्डू या घर की बनाई हुई चीजें नहीं देती। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप फलों पे, फाइबर्स पे और घर की बनाई हुई चीजों पे आलस को त्याग कर, खुद के जिव्या को स्वाद के तो त्याग कर इन घर की चीजों पे अपने बच्चे को लेकर आए। और एक बारी बाहर निकलने के बाद देखिए वापस लाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बचपन से ही इसको ध्यान देना शुरू करें। योगी रजनीश जी, अगर देखा जाए तो आज का माहौल ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मानसिक तनाव से होके गुजर रहे हैं, उनमें मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, फिर चाहे वो पढ़ाई का हो, फिर चाहे वो घर का हो। तो ऐसी कौन सी योगा बच्चे कर सकते हैं जिनसे उनका ध्यान और मन एकदम एकाग्र रहे और उनको ये मेंटल परेशानियों का ज्यादा सामना ना करना पड़े? तो इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है आज के समय, जिससे मतलब फोन इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि फोन से हमारा तनाव, हमें लगता है कि फोन से हमारा तनाव दूर हो जाता है, किंतु हम धीरे धीरे वो तनाव में डूबते चले जाते हैं। इतनी आवश्यकता है, क्योंकि फोन को हम ये नहीं कहेंगे कोई फोन, मोबाइल या अन्य से कोई भी हम जो नेट वगैरह यूज करते हैं, यानी कि वो हमें नुकसान ही करता है, ऐसा नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, मतलब सदुपयोग और दुरुपयोग। उपयोग के बीच से सदुपयोग और दुरुपयोग आता है, तो ये निर्भर हमारे ऊपर करता है। अभी हम कहीं ना कहीं देश विदेश में बात कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, मिनट में हम कुछ भी इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उसको हम सदुपयोग कर रहे हैं। किंतु बच्चे जब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि मोबाइल क्या हमें इसका एडिक्शन हो जाएगा और कितना हमें नुकसान करेगा। और इसमें हम कहते बिल्कुल नहीं इसमें हेजिटेट करेंगे, इसमें जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की बहुत ज्यादा बन जाती है, कि माता पिता खुद अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या कहें कि माँ को भोजन बनाना है तो माँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फोन दे देगी, फिर बच्चे की आदत पड़ जाएगी, फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो जब वो एडिक्शन हो जाता है तो वो तनाव में निश्चित रूप से जाता है। अब बात आती है कि आज के समय में चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, प्रेशर में है। आपने बच्चों की बात करी तो बच्चों को ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बच्चों को कॉम्पिटिशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इन सब प्रेशर को खत्म करने के लिए बच्चों को ज्यादा ना सही हम 20 मिनट डेली अगर योगाभ्यास कराते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होता है। अब आपने पूछा कि क्या किया जाए जो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। थोड़े से आसन अगर बच्चे कर लेते हैं, तो स्कंद चालन है, बटरफ्लाई वाला आसन है ना, नाड़ी संचालन है, ये सारे आसन कर लेते हैं, भुजंगासन हम करा दें बच्चों को, चक्रासन, धनुरासन करा दें, तो ये मेंटल रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे मेंटली। और इसी के साथ साथ जब प्राणायाम पे आ जाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए, बच्चों की मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी, बच्चों का तनाव भी दूर होगा। और जो कपालभाति करते हैं तो कपालभाति सहजता पूर्वक किया जाए, बहुत तेज आवाज के साथ ना किया जाए, तो बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और एक भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को अवश्य कराया जाए। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो अंदर से हमारी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ऊर्जा है लेकिन वो ऊर्जा जागृत नहीं है। तो इस योग के माध्यम से जब बच्चे किसी छोटे हैं उनके अंदर जागृति आसानी से हो सकती है, तो उन बच्चों को योग के माध्यम से उनकी ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है, और उन्हें निरंतर प्रयास करना चाहिए इस विषय के ऊपर, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ हो जाए तो वो आगे ज्ञान भी दे सकते हैं, पेरेंट्स उनकी बातों को मानते भी आज के समय। जी बिल्कुल। पायल जी, अगर देखा जाए तो बीते 2 सालों में कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों को योगा के प्रति बेहद जागरूक किया है, तो इन 2 सालों में योगा कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है लोगों के जीवन के लिए, और योगा किस तरह से लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है? देखिए ऐसा है, पहले भी लोग योग करते थे बिल्कुल, लेकिन कोरोना ने हमें वास्तविकता में बहुत कुछ सिखा दिया है बिल्कुल। तो अब जब हम ये समझ में आ गई है कि भाई हाँ, योग करने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं, हम अपने शरीर को भी मजबूत कर सकते हैं, हम बीमारियों से लड़ने के लिए अपने अंदर वो जो क्षमता पैदा कर सकते हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रख सकते हैं, अपने बढ़ते तनाव को भी कम कर सकते हैं,
शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। योग करने से, मेडिटेशन करने से सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में क्या आया, हम सब योग कोरोना के कारण अत्यधिक परेशान थे, लेकिन हमने योग प्राणायाम कर करके अपने को सकारात्मकता से जोड़ लिया है। आज जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हम करते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा या जो है वो सब सही है, उसके साथ हम जुड़ चुके हैं, हमारे अंदर पेशेंस की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। लाइफस्टाइल की वजह से जो जो समस्याएं हमारे जीवन में हुई वो भी हमने योग और प्राणायाम और मेडिटेशन करके, आज जब हम प्रणव प्राणायाम करते हैं तो प्रणव प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को इतना कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और जब हम ओंकार का ध्वनि बोलते हैं तो उस समय पे हम सृष्टि के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जब हम सृष्टि के साथ जुड़ते हैं तो हम धीरे 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 मानसिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो कोरोना ने सभी को ये सिखा दिया कि हाँ, अब इम्यूनिटी एक शब्द ऐसा चलता गया कि कोरोना के समय पे, कि उसके उसको बढ़ाने के लिए इंसान ने अपने को हर वो कार्य करवा लिया जो कि वो कभी भी नहीं करता था। तो चाहे काढ़ा पीना हो और चाहे योग और प्राणायाम करना हो, तो ये अच्छी आदत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को परंपराओं के तौर पे सिखाया था, लेकिन हम भूल चुके थे। कोरोना ने हमारे लिए ये अच्छा कार्य करा कि हमें वापस उसी मुकाम पर पहुंचा दिया और इसके महत्व को सिखा दिया कि हम किस फायदे में रहते हैं योग और प्राणायाम करके। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए कि लोग की कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों को काढ़ा भी पिलाना अच्छे से सिखा दिया ताकि वो स्वस्थ रह सके। बिल्कुल जी। योगी जी, अगर देखा जाए तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ, और कहीं ना कहीं लोग आजकल का जो यूथ है वो अपनी लाइफस्टाइल उनकी बेहद ही खराब है। जैसे वो खा करके तुरंत सो जाएंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और लोग हार्ट की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो वो ऐसी कौन सी योगा से शुरुआत करें जिससे वो अपनी इन सभी चीजों पर कंट्रोल कर सके। जी जी, देखने को मिली है जो आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की, हार्ट फेल होने लगे हार्ट अटैक की जगह से। हार्ट अटैक में तो क्या होता था, हमको पेशेंट को बचाने का, जिसको हार्ट अटैक आया बचाने का मौका भी मिल जाता था। लेकिन अभी आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, आदमी बैठा बैठा ही हार्ट फेल हो जाता है और वहीं के वहीं जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और एक व्यक्ति का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके अपने लिए नहीं, उसके जो अपने हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात फिर आ जाती है कि हमारा आहार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में लोग खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं करते हैं, स्ट्रीट फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, कहीं भी अच्छी का सफाई का ध्यान नहीं करते हैं, कुछ भी जहाँ मिला खा लिया, उसके बाद में फिर वो परेशान होते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी बात है, आहार के ऊपर अगर हम आपको बताएं, भोजन आधा पेट कर, पानी दो गुना पी, हंसी चार गुनी कर, साल सवा सो जी। यानी कि जब कम खाते हैं और पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं अपने शरीर में, तो हम अपने और हम प्रसन्न रहते हैं तो हम अधिक से अधिक आयु को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक आयु को प्राप्त करने का अर्थ ये होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो हम अधिक आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सभी लोगों को, जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन की बात करी, वो एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। लगभग हम माने तो 85-90% लोग इसी पीड़ा से ग्रसित है। इसीलिए सुबह उठकर के कम से कम दो गिलास गुनगुना पानी पिया जाए, और फिर थोड़ा वॉक करें या कुछ अन्यत्र साधन अपनाएं। चाय के माध्यम से जो लोग अपने पेट को साफ करने की कोशिश करते हैं वो अपने लिए बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसलिए सुबह उठकर के दो गिलास गुनगुना पानी जितना गर्म वो पी सकते हैं वो पिए, और पी करके फिर उसके पश्चात अपने आप को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के योग करें। और योग में आसन और आसनों के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि आपने हार्ट की स्पेसिफिक बात करी है, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, कपालभाति में से तो बचना चाहिए, कपालभाति और भस्त्रिका से अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा 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 आप करते रहें तो आपकी ब्लॉकेज वगैरह होती है या हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है यदि किसी को है वो ठीक हो जाएगी, और जो स्वस्थ है वो अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं तो जिनके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल पायल जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि उनके पास घर का काम है, उनके पास समय नहीं मिलता है, वो समय नहीं निकाल पाती। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे कि वो खुद को स्वस्थ उनके लिए रखना कितना जरूरी है? देखिए मुस्कान जी, मैं खुद भी एक महिला हूँ, बिल्कुल, और महिला के साथ साथ बच्चों की माँ भी हूँ, बिल्कुल, और जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ, और उसके बाद बिजनेस भी करती हूँ।
उसके साथ साथ मैं योग प्राणायाम टीचर भी हूँ, जैसा कि आप खुद ही बता चुकी हैं। तो मैं, अगर आप लोग मुझे एक प्रेरणा के रूप में भी देखना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कार्य सभी होंगे, कब होंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगी। अगर आप ही स्वस्थ नहीं है तो आपकी जितनी भी शैली है, जितना भी आपके इर्द गिर्द जो भी आपका कार्य है, सब कुछ विफल हो जाएगा अगर आप स्तर पे आ जाएगी। तो पूरी कार्यशैली को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, व्यापार को संभालने के लिए, या जो भी कार्य आप और करती हैं, सबको संभालने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रीढ़ की हड्डी होती है एक महिला हर परिवार, तो इसलिए अगर रीढ़ की हड्डी शरीर की कमजोर है तो फिर पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है धीरे धीरे करके। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे किसी भी समय, जैसा कि अभी योगी जी ने बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 घंटे का पेट खाली होना जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए किसी भी समय योग प्राणायाम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अपने लिए जिस तरह 24 घंटे में से 24 मिनट प्राणायाम, 24 मिनट ध्यान करना जरूरी है, इसी तरीके से आपको अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम 24 मिनट कम से कम करना जरूरी है। बिल्कुल पायल जी, अगर आज देखिए तो अगर आज आपसे इंस्पायर होकर अगर वाकई में महिलाओं ने योग करना शुरू कर दिया, तो आखिर वो ऐसे कौन से योग है जिससे शुरुआत करेंगे वो अपनी, क्योंकि शुरुआत बेहद ही अहम होती है। अगर शुरुआत अच्छी हुई तो उसका अंत भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। अगर आप शुरुआत करने के लिए कहेंगी तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि आप जो 5 प्राणायाम है मेन, भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद प्रणव और भ्रामरी, ये 5 प्राणायाम आपको पहले कर लेने चाहिए। इसके लिए आपको 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के बाद आपको योग करने के लिए ताड़ासन, मरकट आसन, क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर कमर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके जो कार्य हैं वो खड़े खड़े करने के ही होते हैं, तो भुजंगासन, मरकट आसन, ताड़ासन, और अगर ये चक्रासन, 4 आसन भी आप लोग कर लेते हैं, उसमें अगर आप 5वां तितली आसन भी जोड़ लेते हैं, तो ये 5 आसन आपको काफी हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए आप इन्हीं आसनों से शुरू कर लीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ी आपकी बॉडी इस लायक हो जाए कि आप योग कर पा रहे हैं, तो आप आगे और दूसरे दूसरे आसनों को भी कर सकते हैं। बिल्कुल योगी रजनीश जी, अगर देखा जाए तो लोग योगा को लेकर अभी भी कंफ्यूज है कि उन्हें तकरीबन कितने घंटे तक योग के आसन करने चाहिए। जी योगी जी, इतने कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि लोग वास्तव में कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हमारे सामने प्रश्न लेकर के आते हैं। तो बहुत सरल है कि सबसे पहले आप शुरुआत करें, आप ये नतीजे कितनी देर करना है, एक शुरुआत आप सहजता से करिए, जितना आपका शरीर अलाउ करे, है ना। तो जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक प्रोटोकॉल को बनाया गया, यदि 2015 में प्रारंभ हुआ तो बड़ी ये निश्चित स्थिति थी कौन क्या करेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा विषय निकल के आया कि हमारे मंत्रालय ने इसको तैयार किया, और इसमें जो आसन दिए गए वो इतने सरल आसन दिए गए, उनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आज के दिन, क्योंकि कुछ लोग एक ही दिन योग करते हैं जैसा आपने कहा, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी देर करें, तो हम आज से प्रारंभ करें, वो हल्के हल्के आसन, प्रोटोकॉल वाले आसन ही करना हम प्रारंभ कर दें, तो धीरे धीरे हमारा शरीर खुलता चला जाता है, जो शरीर की स्टिफनेस है वो निकलती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस आसन जो करने की कई बार देख करके इच्छा होती है, धनुरासन है, बकर, जैसे हमारा वज्रासन वगैरह भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रारंभ तो करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सरल सरल आसन से जितना आपका शरीर अलाउ करे, तो वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें, कि कई बार समझ में नहीं आता है कि हम कितना करें, हम टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे भी पायल जी ने बहुत अच्छी बात आई है कि शुरुआत में कम से कम 24 मिनट का समय निकाल लीजिए, 24 घंटे में से एक दशांश निकाल लीजिए, 24 मिनट बैठ करके आप योग करना प्रारंभ कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे जैसे आपको आनंद आने लगेगा, जैसे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने लगेगा, आपका समय, आपका टाइम पीरियड अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यानी कि रजनीश जी, ये कहा जाए कि पहले योगा करने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है और समय का तय होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि योग की एक परिभाषा आती है, और उसको यदि हम समझे तो योग, जब तक अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, का एक स्थान, एक समय की निर्धारण यही है, कि ऐसा नहीं है कि अभी हमने सुबह योग कर लिया, कभी हमने शाम को कर लिया, समय की हमारे पास कभी ऐसी स्थिति है कि सुबह समय नहीं मिला, शाम को कर लिया, और एक होता है कि रैंडमली जब हमारा मन किया तब हमने कर लिया, नहीं,
हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए, अनुशासन जरूरी है। यदि हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पायल जी, अगर देखा जाए तो शहरों में तो लोग कहीं ना कहीं सतर्क हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति योगा को लेकर, लेकिन ग्रामीण इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर लोग योगा को इतना महत्व नहीं देते हैं, तो आखिर हम किस तरह से वहां के लोगों को जागरूक कर सके कि योगा कितना महत्वपूर्ण है जीवन में? देखिए मुस्कान जी, जिस समय हम लोगों ने योग सीखा था उस समय हमसे एक वचन लिया गया था कि आप कम से कम 100 लोगों को योग सिखाएंगे। तो अगर हर आदमी अपने ही वचन को पूरा करने की कोशिश करने में तत्पर हो जाएगा तो हम हर जगह योग पहुंचा सकते हैं। उसके बाद एनजीओ और स्कूलों के माध्यम से हम गांव में जाकर आज अगर हम सभी कार्य करने में सक्षम हैं तो कहीं ना कहीं क्लब होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनके माध्यम से हम इकट्ठे होकर ग्रामीण इलाकों में भी जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग खुद भी बहुत सारे स्कूल्स में और ग्रामीण इलाकों में गए योग सिखाने के लिए और वहाँ पर आज भी रेगुलर विजिट करते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक एक शिष्य निर्धारित कर दिया, जो भी हमें उनमें से बेस्ट स्टूडेंट समझ में आया कि हाँ वो हर क्रिया को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं तो उस तरीके से हम उनके साथ फॉलो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से सबको अपने वचनबद्ध होकर उस कार्य को कार्यान्वित करना होगा। जी रजनीश जी, अगर देखा जाए तो लोग आजकल हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए नजर आते हैं, तो क्या अगर हम योगा की शुरुआत कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो हम क्या सोशल मीडिया से योगा के पोस्ट ठीक ढंग से कर पाएंगे उसको देख करके? हमें इसमें कॉमन सेंस की आवश्यकता जरूर रहती है, क्योंकि यदि हमें बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। माने कि YouTube हमने देखा, YouTube पे कोई रेसिपी बनानी हमें सिखाई, तो उन्होंने कहा कि आप गैस पर एक बर्तन को रखिए, गैस में पानी डालिए, गैस में मसाले डालिए और ये डालिए वो डालिए। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि 15 मिनट आप पैन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और आपका जो डिश है वो तैयार, रेसिपी तैयार है। लेकिन आप देखते हैं उनकी तैयार होगी, हमारी तैयार नहीं। उसका मुख्य कारण क्या रहा? उसका मुख्य कारण ये रहा कि हमने उसमें, उन्होंने क्योंकि गैस जलाने के लिए बताया था तो हम भी गैस जलाना हमें ध्यान ही नहीं रहा। इसीलिए क्या है कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आवश्यक है हमारे लिए, तो अगर हमें थोड़ा सा योग की जानकारी है तो इसी तब हम सोशल मीडिया या अन्य जो माध्यम है उनसे योग को सीख सकते हैं। क्योंकि वैसे कहा भी गया है कि देखे दिखावे करे योग, चीजें काया बड़े रोग। देखने दिखाने से योग को करना कई बार नुकसानदायक हो जाता है। जैसे भी पायल जी ने कहा था कि किसी अच्छे गुरु के संरक्षण में ही हमें योग को करना चाहिए, अच्छे गुरु योगाचार्य के संरक्षण में जब योग करते तभी हमें योग की प्राप्ति हो पाती। पायल जी, आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? मुस्कान जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान को, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था कि हम ना बिना खाए रह सकते हैं ना हम बिना सोए रह सकते हैं, तो हम क्यों अपने आप को बिना योग के जीवित रखना चाहते हैं? हमें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जीवन को लंबा करने के लिए योग करना जितना ज्यादा जरूरी है उसकी महत्ता को हमें समझना ही होगा। और जैसे दिन भर में सूरज उगता है, चांद उगता है, सृष्टि पूरी अपने नियम के साथ कार्य करती है, उसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी है। हर पशु पक्षी को यदि हम सृष्टि से कुछ सीखना चाहेंगे तो नियम एक ऐसी चीज है, जैसा अभी भाई ने भी कहा था कि नियम बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हमें बिना योग के, अगर आज मैंने योग नहीं किया तो मैं आहार का भी व्रत रख लूंगी, ऐसा मुझे अपना निश्चय करके ही योग के साथ तत्पर हो जाना चाहिए। योगी जी, अगर जी बिल्कुल जी, योगी जी अगर देखा जाए तो साल 2015 से शुरू हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आज 8वां साल मना रहा है, तो आप इस 8वें साल में जो आज का यूथ है, जो आज का बच्चा है, जो आज का उम्र दराज व्यक्ति है, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर? तो यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में जब यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज तक धीरे 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 लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। एक छोटा सा प्रश्न इसमें, जब 2015 में ये प्रारंभ हुआ तो एक डिबेट में हमारे समक्ष रखा गया कि एक दिन योग करने से क्या हो जाएगा, तो उसका बड़ा अच्छा सा जवाब था वो ये है, और वो इसी आपकी बात से रिलेट करता है कि हम एक वृक्ष को देखते हैं, एक पौधे को देखते हैं,
तो उसका बीज जो है वो एक दिन नहीं एक क्षण में हमने रोपा था मिट्टी के अंदर, और धीरे धीरे उसको खाद पानी दिया, उसको वो धीरे धीरे वो जो बीज है वो पौधे में पनपा और पौधा जो है वो धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले चुका है। तो ठीक उसी प्रकार जब 2015 में शुरू हुआ तो लोगों के अंदर शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी योग के प्रति, तो धीरे धीरे लोग अब बहुत सारी संस्थाएं मिलजुल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करने लगी हैं। तो सब में और आज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, तो यूथ जुड़ा है, बुजुर्ग जो है वो जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं विशेष रूप से, और महिलाएं जैसी पायल जी कह रही थी कि रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि उनके बिना घर का और परिवार का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। आज भी सुबह हमारा कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में काफी भीड़ थी, तो और धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है योग के प्रति, जो योग का लाभ उनको मिल रहा है, तो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो चाहे व्यस्त हो, वो धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी धन्यवाद पायल भारती मैम हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और धन्यवाद योगी रजनीश जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर लोगों को योग का महत्व बताने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर लोग किस तरह से योग करें, किस तरह से लोग योग के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं और क्या 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 दिनचर्या हम फॉलो कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रह सके। तो अभी आपने सुना कि हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, जहाँ एक तरफ पायल जी जो कि एक योग एक्सपर्ट है, तो दूसरी तरफ योगी रजनीश जी जो एक योग गुरु है, इन्होंने हमारे साथ जुड़े और साथ ही हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी साझा की और लोगों के मन में जो भी प्रश्न योग को लेकर चल रहे थे उसके जवाब भी दिए, जिससे लोग सही ढंग से योग कर सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और करते रहिए रोग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।